with our MySQL course, and today's part of our discussion is about how to create tables, and we do this in Workbench, guys. MySQL Workbench. I hope आपने installation कर लिया होगा Workbench का और client का भी, ठीक है, client shell का भी. तो अगर तो Workbench क्या होता है, basically हमारे काम को easy कर देता है, तो इसलिए हम Workbench में करेंगे, ठीक है, और आपको सारी चीजें होती हुई दिख रही होंगी. तो आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं create tables, ठीक है. और यार जब भी हम create table करते हैं तो उसमें हमें क्या करना होता है, हमें क्या करना होता है, हमें डिफाइन करना होता है टेबल अपने MySQL कमांड्स, ठीक है. SQL कमांड्स हम आज कुछ सीखने वाले हैं, कैसे कैसे क्रिएट टेबल्स के SQL कमांड्स हमें देने होते हैं वो हम बताएंगे. लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने बेसिक डेटा टाइप्स को समझना पड़ेगा. तो बेसिक डेटा टाइप्स आज हम थोड़ा सा बात करेंगे. पहले जो हमारे बेसिक डेटा टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं. सबसे पहला है इंट, ठीक है गाइस. सबसे पहला हमारा इंट है. इंट हमें आपको पता ही है इंट क्या देता होगा. इंट हमें देता है एक होल नंबर, ठीक है. तो इंट हमें हमारा होल नंबर प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट इज अवर वेर कैर. वेर कैर जो होता है वो क्या है, वो जो है हमें स्ट्रिंग हम यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग वेर कैर, ठीक है. देन डेसिमल. डेसिमल से हम क्या कर सकते हैं, हम डेसिमल नंबर दे सकते हैं विद एंडिंग वैल्यूज, कि हमारी एंडिंग वैल्यूज कितने होंगी वो भी हम डिपेंड कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज अवर बी एल ओ बी. ज्यादातर ये यूज बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है. लेकिन अगर आप कभी ऐसा कुछ डेटा मतलब डेटाबेस बना रहे होंगे तो वहां बी एल ओ बी काम करेगा आपका, जो कि होता है एक बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है. मतलब बाइनरी लार्ज डिजिट्स में ये जो है वर्क करता है, ठीक है. नेक्स्ट इज अवर डेट. डेट की जो यहाँ पे वो रहेगी वो ये रहेगी कि वाई 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 एम एम और डीट, ठीक है. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट जो कि होता है वो हमारा टाइम स्टैम्प. और टाइम स्टैम्प हम यूज करते हैं एज वाई 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 एम एम डी डी एंड साथ में हमारे यहाँ पे क्या आ जाता है, आवर्स प्लस मिनट्स एंड प्लस सेकेंड्स, ठीक है गाइस. तो ये हमारे कुछ जो है बेसिक डेटा टाइप्स होने वाले हैं जो हम यूज करने वाले हैं अपनी क्रिएट टेबल में, ठीक है. तो अब हम देखते हैं कि आखिर हम कैसे क्रिएट टेबल करते हैं और हाउ टू स्टोर द डाटा इन द क्रिएट टेबल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू, फॉर क्रिएटिंग अ टेबल वी हैव यूजिंग अ पर्टिकुलर डेटा बेस. सो हियर एज यू सी आई यूज अ ग्राफ डेटा बेस. यूएसई कमांड आई गिव दैट एंड एज यू सी इन द एक्शन आउटपुट देयर इज ग्राफ जो हमारा यूज हो रहा है. अब हमने क्या करा, हमने क्या भाई यहां पे हम क्या करते हैं, हम यहां पे करते हैं क्रिएट क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ठीक है. तो ये हमारा देखिए आप सही अब हमने ये हमने एग्जीक्यूट करा तो हमारा क्या आया, हमें आया अ टेबल मस्ट हैव एटलीस्ट वन विजिबल कॉलम, ठीक है. तो यहां पे एरर कोड हमें ये दे दिया है कि टेबल ऐसे क्रिएट नहीं होने वाली, टेबल में एटलीस्ट एक विजिबल कॉलम्स होने चाहिए. तो हमें क्या करना है, हमें खाली ऐसे क्रिएट टेबल नहीं कर लेना है अपने डेटाबेस की तरह, हमें यहाँ पे कॉलम्स भी डिफाइन करने पड़ेंगे गाइस. तो कॉलम्स, और यार इसलिए वर्कबेंच बहुत अच्छा है, वर्कबेंच में हमें एरर पता चल जाती है क्या हम एरर कर रहे हैं. तो यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए डेटाबेस में क्या क्या होगा, सिंपल है यार. एक तो उसकी स्टूडेंट आईडी बनेगी, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट की स्टूडेंट आईडी होगी. स्टूडेंट आईडी के साथ साथ और क्या बन सकता है, स्टूडेंट आईडी के साथ हमारा जो है क्या कह सकते हैं हम, स्टूडेंट आईडी के साथ हमारी हो सकती है स्टूडेंट का नेम. तो हम एक अपना कॉलम दे सकते हैं नेम, ठीक है. नेम के साथ और क्या दे सकते हैं हम, उसकी फील्ड कि वो किस फील्ड का है, ठीक है. लेकिन अब क्या होता है कि यार क्या ये ऐसे ही एक्सेप्ट हो जाएगा, नहीं यार ऐसे एक्सेप्ट नहीं होगा. आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपके जो स्टूडेंट आईडी है वो क्या है. वो है हमारी इंट बेसिकली, नेक्स्ट इज अवर नेम. तो नेम हमने जो है उसमें एस नेम कर दिया इसे, ठीक है. और यहां पे एस नेम क्या होगा, एस नेम का टाइप स्ट्रिंग है. तो वेर क्या कितने हो सकता है, मेजरली मेजरली यार चलो हमने क्या 30 वर्ड्स का नेम हो सकता है, इससे ऊपर तो नहीं होगा ना कोई नेम. और फील्ड, फील्ड भी हमारी वेर क्या होगी, इसको हमने 40 दे दिया. और ये हमारा जो है
कंप्लीट हो गया इतना करके हमने जो है अपने स्टूडेंट और इस सबको डिफाइन करके हमने कंप्लीट कर दिया और लास्ट में मैंने जो है क्लोज कर दिया। अब मैं जो है इसे एग्जीक्यूट करता हूं एंड एज यू सी क्रिएट टेबल स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें लेकिन यार एक बात आती है कि यार ये हमारा एग्जीक्यूट तो हो गया है, ठीक है, लेकिन जब हम इस पे बात अगले वीडियो में करेंगे, जो हम डेटा एंट्री की बात है वो हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सीख लेते हैं। एक हमारा क्या होता है, एक हमारा होता है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब से क्या होता है, हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि यार आखिर स्टूडेंट में है क्या क्या। तो मैंने क्या करा यहाँ पे डिस्क्राइब लिखा और अपना एग्जीक्यूट करा, तो ये हमारी जो है स्टूडेंट टेबल डिस्क्राइब हो गई आप लोगों के सामने, ठीक है। देखिए स्टूडेंट आईडी इंट एस नेम वर्कर फील्ड जो हमने सेट करे थे इसके टाइप, पर ये सारे अभी नल हैं, ठीक है। की हमने कोई की से दी नहीं है, जो हमने डिस्कस करी थी फॉरेन की प्राइमरी की वो अभी हमने दी नहीं है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटी सी बात। नेक्स्ट हमारी जो हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम एक हमारा कमांड होता है ड्रॉप। ड्रॉप से क्या होता है, ड्रॉप से गाइस पूरी की पूरी टेबल आप ड्रॉप कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो बेसिकली। तो जैसे मैंने लिखा ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, ठीक है, और ये मैंने करा एग्जीक्यूट, तो ये आपने देखा ड्रॉप टेबल स्टूडेंट हमारी जो है डिलीट हो गई। अब मैं अगर इसमें लिखूंगा ना कि भाई मेरा डिस्क्राइब करो, ठीक है, अगर मैं अब इस वाले कमांड को कहूँ कि भाई ये यहाँ पे आके आप इसे एक बार एग्जीक्यूट करो, तो अभी आप देखना अभी ये एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये एरर शो करेगा, ठीक है। देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा कि एरर कोड आ रहा है आपका कि टेबल जिराफ में कोई स्टूडेंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्यों, क्योंकि हमने वो जो है डिलीट कर दिया, ठीक है। तो फिर से मैं क्रिएट कर लेता हूँ एक बार, ये मैंने एग्जीक्यूट करा और मैंने फिर से क्रिएट कर दी। अब क्रिएट करने के बाद मैंने क्या करा, अब की बार हम थोड़ा सा और समझते हैं। एक हमारा और वो होता है कमांड जो कि होता है एल्टर। बेसिकली एल्टर क्या करता है, एल्टर थोड़ा सा जो है अलग टाइप में कमांड होता है, ये अपडेशन में कुछ हेल्प करता है, लेकिन यहाँ पे हम करेंगे जैसे आपने कोई टेबल बना ली, ठीक है, टेबल बनाने के बाद आप क्या करें, आप भूल गए कि मुझे कोई कॉलम ऐड करना रह गया, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ से ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने कहा भाई सबका जीपीए, सबका मतलब जो सीजीपीए आएगा वो आपको ऐड करना है, तो मैंने कहा सबका सीजीपीए हमें ऐड करना है, और वो सीजीपीए क्या होना चाहिए, वो सीजीपीए होना चाहिए डेसिमल, ठीक है, डेसिमल वैल्यूज, और इस तरीके से हमारा सीजीपीए होना चाहिए, ठीक है। तो गाइस हमने क्या करा, हमने इसे जो है सेलेक्ट कर लिया, ओके, और मैंने एग्जीक्यूट करा, तो हमारी जो टेबल है वो एल्टर हो गई है। अब मैं अपनी अगर स्टूडेंट टेबल को डिस्क्राइब करूंगा तो आप देखोगे कि यार यहाँ पे हमारा एसजीपीए भी ऐड हो गया, ठीक है गाइस। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये कॉलम ड्रॉप करवा देना है, तो मैंने क्या करा, मैंने फिर से जो है एल्टर लिखा, एल्टर टेबल, लेकिन अब की बार मैं डायरेक्ट ड्रॉप नहीं करवाऊंगा क्योंकि मुझे पूरी टेबल ड्रॉप नहीं करवानी, ड्रॉप तो पूरी टेबल करेगा लेकिन मुझे बस कॉलम ड्रॉप करवाना है, तो एल्टर टेबल स्टूडेंट, और अब मैं यहां पे ड्रॉप लिखूंगा, ड्रॉप कॉलम कौन सा, एस जी पी ए, और मैंने इसे क्या करवाया, मैंने इसे एग्जीक्यूट करवाया, और ये जो है हमारा सक्सेस हो गया। अब मैंने क्या करा, मैंने डिस्क्राइब करा, तब आप देखोगे अब आपको जो है अपना कॉलम नहीं दिख रहा, ठीक है गाइस। तो ये बात थी हमारी क्रिएट टेबल की कि आखिर हम क्रिएट टेबल कैसे करते हैं और थोड़ा सा चेंजेस हम कैसे कर सकते हैं, ओके। तो आई होप अगर आपको समझ में आई होगी तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि आखिर टेबल तो हमने बना ली लेकिन अब उसके अंदर हम डाटा कैसे डालें। तो यार इसके लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा ज्ञान पोर्टल के साथ। खुदा हाफिज़, शब्बक है।